हम सभी को ये सोचना कितना अच्छा लगता है कि हमारा दिमाग आखिर कितना जटिल और कितना ताकतवर है कि ये एक बार में इतने सारे प्रोसेस कर पाता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आज मैं आपको कुछ नमूने पेश करने जा रहा हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारा दिमाग उतना भी जटिल नहीं है। इस क्लिप्स में आपका दिमाग हेलुसिनेशन होगा। ये हेलुसिनेशन सिर्फ तभी होता है जब आप कोई खास तरह के ड्रग्स लेते हैं, जैसे LSD या फिर कुछ खास तरह के मशरूम या फिर अदर चीज़ें। तो मैं अगर बात कर लूँ पहले LSD को, आपको बता दूँ LSD क्या होता है। तो LSD एक ड्रग्स है। इस ड्रग्स की कीमत 2 लाख रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से है। ये आपका ऐसा ही हेलुसिनेशन देगा जिसमें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसमें या तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि आप कहीं उड़ रहे हैं, या फिर आपको सब कुछ घूमता हुआ या फिर एक बड़ा होता हुआ दिखेगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को, आपके दिमाग की कुछ जो जटिलता नहीं है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको कुछ क्लिप्स पिल करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, मैं इन क्लिप्स को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूँ कि इन क्लिप से आपके आँख पर या फिर आपके किसी भी शरीर के अंग पर कोई भी डिफेक्ट होने वाला नहीं है, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। इसलिए आप इस क्लिप्स को निश्चिंत होकर देखिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको इस क्लिप्स के बिल्कुल बीचों बीच में देखना है जो मैं फर्स्ट क्लिप स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आपको क्या है, जो भी अक्षर बीच में लिख के आ रहे हैं सिर्फ आपको उन पे ही बिल्कुल पूरा फोकस बना के रखना है, बिल्कुल पूरा फोकस 20 से 30 सेकंड के लिए। फिर आप अपनी आँखें कहीं भी देख सकते हैं, अपने रूम या फिर कहीं पर भी। तो चलिए देखते हैं पहली क्लिप। बिल्कुल फोकस रखिए बीच में, जो भी अक्षर लिख के आ रहे हैं, जो भी लेटर लिख के आ रहे हैं, मैं भी आपके साथ देख रहा हूँ, देखिए उसको बिल्कुल ध्यान से। बिल्कुल उसके बिल्कुल ही बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है, और उसके बाद आपको कहीं भी आप रूम में कहीं भी देख सकते हैं। देखते रहिए इसको। बिल्कुल आप भी फोकस बनाए रखिए इसमें, और बिल्कुल आप फिर भी कहीं भी देख सकते हैं एकदम। बिल्कुल फोकस बनाए रखिए, फोकस बिल्कुल मत हटाना। दोस्तों, ये वास्तव में काफ़ी मज़ेदार था, मैंने खुद देखा, मैं इसको अक्सर देखता रहता हूँ। और जो लास्ट वाला मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसके लास्ट का जो हेलुसिनेशन है वो काफ़ी मज़ेदार है। नंबर सेकंड पे जो क्लिप आती है वो भी काफ़ी मज़ेदार है, जिसमें आपको सारा कुछ गोल गोल घूमते हुए दिखेगा। तो मैं भी आपके साथ फिर से एक बार देखता हूँ इस क्लिप को भी। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल आपको इसके सफ़ेद पॉइंट पर बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना है, बिल्कुल फोकस से इधर नहीं हटाना है, बिल्कुल 20 सेकंड के लिए मात्र। चलिए देख रहे हैं। ये भी भाई मुझे काफ़ी पसंद आया, आप बताना कि आपको ये पसंद आया कि नहीं। अब जो अगला वाला है, तीसरा वाला लास्ट, वो तो काफ़ी मज़ेदार है। इसमें आपको सारी चीज़ें बहुत ही बड़ी बड़ी मालूम पड़ेंगी, बड़ी बड़ी होते हुए मालूम पड़ेंगी। तो चलिए वो भी उसकी तरफ भी बढ़ते हैं और देखेंगे भी उसको भी। अब भाई आ गया तीसरा और सबसे मज़ेदार, जिसमें आपको बिल्कुल लाल पॉइंट बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना है उसी की तरह। मैं भी आपके साथ फिर से देखता हूँ, और उसके बाद आप कहीं पर भी रूम में देख सकते हैं इसको। 20 से 25 सेकंड के लिए देखना है, मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप 1-2 मिनट के लिए देखिए। तो चलिए देखते हैं इसको भी बिल्कुल फोकस बनाकर। बिल्कुल लाल पॉइंट पे फोकस बनाए रखना है।
बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस रखना, फोकस बिल्कुल इधर उधर, दिमाग बिल्कुल इधर उधर मत भटकाना, बिल्कुल देखना, आपको मालूम पड़ेगा फिर कि इसमें भी मज़ेदार काफ़ी बड़ा होता हुआ। तो दोस्तों ये सारे हेलुसिनेशन, ये इल्यूज़न मज़ेदार थे, मुझे पर्सनली सबसे अच्छा लगा लास्ट वाला और पहले वाला। आप बताना कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, और मैं इसमें साइंटिफिकली इसका कुछ रीज़न इसको डिस्कस कर दूँगी आखिर ये आपके साथ क्यों होता है। इसमें होता क्या है, आपकी जब आँख इसको देखती है तो आँख तो इस चीज़ को देख रही है ना, लेकिन उसको प्रोसेस जो करता है वो आपका दिमाग करता है सारी चीज़ों को। लेकिन इस चीज़ में होता क्या है, इतनी सारी चीज़ें एक साथ में हो रही होती हों कि दिमाग का न्यूरॉन कनेक्शन खुद नहीं समझ पाता है क्या होता है। तो जिसको न्यूरॉन उसको लॉक उसमें ना करना होता है फिर भी वो उसको लॉक कर देता है, इसकी वजह से तो दिमाग को ये दिखाना पड़ता है कि ये चीज़ें वास्तव में जो आपको दिख रही हैं वो सही हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा कि दिमाग हमारा इतना भी जटिल नहीं है कि सारी चीज़ों को समझ पाए, लेकिन हमारा दिमाग बहुत ही काफ़ी ज़्यादा जटिल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो फ्यूचर में मिलती रहें इसी चैनल पर। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।